मिस्ट्री मॉन्स्टर्स के इस एपिसोड में हम जानेंगे नियाली के राक्षस के बारे में। हमारी इस दुनिया में कई अनोखे जीव रहते हैं जिन्हें विज्ञान भी अब तक ठीक से जान नहीं पाया, और ऐसे ही कुछ रहस्यमयी जीवों के बारे में हम जानेंगे मिस्ट्री मॉन्स्टर्स में। ये बात है साल 2017 की। नियाली जिले में रहने वाले और पशुपालन करने वाले कुछ लोगों ने अजीब सी घटनाओं का वर्णन किया, जिसमें कोई अनजान जानवर उनकी पालतू भेड़ बकरियों को बड़े ही दर्दनाक तरीके से मार रहा था। आए दिन भेड़ बकरियों के कटे फटे शरीर मिलने की खबरें अब नियाली से आने लगी थी। पर सबसे अजीब बात ये थी, जो भी जानवर इन भेड़ बकरियों को मार रहा था वो उनका मांस नहीं खाता था, सिर्फ उनके शरीर से सारा खून चूस लेता था। कुछ मामलों में तो उसने उस पालतू जानवरों का पेट फाड़कर उनकी आंतड़ियां भी खा ली थी। ओडिशा सरकार ने भी इन घटनाओं की दखल ली थी और वन्य जीवों के विशेषज्ञों को इस मामले की तहकीकात करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। वन्य जीवों की जांच करने वाले इन अधिकारियों ने रात में शिकार करने वाले कुछ जानवरों की तस्वीरें ली, लेकिन ये तस्वीरें धुंधली होने के कारण उन जानवरों की पहचान नहीं हो पाई। फिर इन अधिकारियों ने दावा किया कि ये जानवर जरूर कोई शिकारी जानवर होगा, जैसे कि लोमड़ी, भेड़िया या फिर लकड़बग्घा। पर वन्य अधिकारियों के इस अनुमान से पशुपालन करने वाले वो किसान सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि उन्होंने रात के समय असामान्य परछाइयों को जानवरों पर हमला करते हुए देखा है, और ये जीव जो कोई भी था पीछा करने पर अचानक से गायब हो जाता था। और किसानों का ये कहना कि वो कोई जंगली जानवर नहीं है जो उनके पालतू जानवरों को मार रहा है, बिल्कुल ठीक था, क्योंकि पालतू जानवरों के बाड़े तक जाने वाले पगमार्क किसी भी स्थानिक शिकारी जानवर से मेल नहीं खा रहे थे, और कई मामलों में तो पालतू जानवरों के बाड़े तक जाने वाले कोई पैरों के निशान मिलते ही नहीं थे। थोड़े ही दिनों में व्हाट्सएप और यूट्यूब पर अजीब से जानवरों की तस्वीरें वायरल होने लगी, जिनमें नुकीले सींग और डरावने दांतों वाले राक्षस नजर आ रहे थे। कई लोग विकृत भेड़ियों और भालुओं की तस्वीरें बनाकर दावा करने लगे कि यही नियाली का राक्षस है जो पालतू भेड़ बकरियों को मौत के घाट उतार रहा है। किसानों के सैकड़ों पालतू जानवर रातों रात मारे जा रहे थे, इसलिए नियाली के किसानों में सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर असंतोष जारी था। वो अपने मरे हुए पशुओं के बदले मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन करने लगे। इसके समाधान में सरकार ने सिम्पलीपाल से एक टीम को रवाना किया। शिकारियों की ये टीम उस अनजान जानवर को खोजकर उसे पकड़ने वाली थी। उनके पास मोशन सेंसर कैमरास और ट्रैंकलाइजर गन भी थी, पर लाखों कोशिशों के बावजूद नियाली का वो रहस्यमयी जानवर उनके हाथ नहीं लग पाया। नियाली के उस रहस्यमयी राक्षस की पहचान आखिर तक हो नहीं पाई, और इन घटनाओं का सिलसिला साल 2018 तक जारी रहा, जिनमें सैकड़ों भेड़ बकरियां रातों रात मारी जाती थी। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है, नियाली का ये राक्षस क्या सच में हो सकता है? ये मुझे कमेंट या वोट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।